और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, यूक्रेन में अब तक 1417 लोगों की मौत की खबर है। रूस के हमलों में 1417 लोग अब तक मारे गए हैं। यूएन की ओर से जारी किए गए हैं ये आंकड़े जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन में 121 बच्चों की भी मौत की खबर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 40 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है लेकिन अब तक लगातार एक के बाद एक कई सारे मिसाइल अटैक से पूरा का पूरा यूक्रेन देश ध्वस्त हो चुका है और हर क्षेत्र पर नजर है रूस की। और रूस ने कई सारे रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया और यही वजह है कि अब 121 बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए हैं एक तरीके से रूस की सेना की ओर से। और साथ साथ यूक्रेन में अब तक 1417 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे महायुद्ध की ग्राउंड रिपोर्टिंग न्यूज 18 की जांबाज टीम लगातार कर रही है। हमारे सहयोगी यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लोगों को घरों से निकलकर शेल्टर होम में रखा गया है और ऐसे में ही एक शेल्टर होम में पहुंचे हमारे सहयोगी अरुण सिंह हैं। वहां रह रहे एक स्टूडेंट से बात की। Most of the people came here from the parts of the country where the war. So we are finding a place. We are giving all the help that we can. और महायुद्ध की ग्राउंड रिपोर्टिंग न्यूज 18 की जांबाज टीम लगातार कर रही है। हमारे सहयोगी यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। जो शेल्टर होम सुरक्षित जगहों पर बनाए गए हैं उसमें काम करने वाले वॉलंटियर टीम से बात की हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने। हमारे साथ शेल्टर होम में काम करने वाले टीम है। मिस्टर टीम, हाउ डू यू आर हेल्पिंग पीपल हियर? सो आई एम हेल्पिंग, एक्चुअली I'm a student here, and I come here to wait here for some moment. What do you think? When this war is going to end? I don't know. It's too difficult to say. Some people and some news says that it's gonna be not later. तो देखिए, लोगों की मदद करने के लिए लोग students हैं ये, और यहाँ पर आए हुए हैं, खुद volunteer कर रहे हैं अपने आप को और लोगों की मदद कर रहे हैं जो अपना घर बार छोड़ करके यहाँ पर आए। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, यूक्रेन। और रविवार को रेड क्रॉस का एक काफिला इटली से यूक्रेन के लिए रवाना हुआ है, जो पोलैंड होते हुए आज यूक्रेन के लिए पहुंचेगा। काफिले में एम्बुलेंस, बसें और जरूरी सामान से भरे ट्रक शामिल हैं। रेड क्रॉस का प्लेन है। इटली के 100 शरणार्थियों को इकट्ठा करके उन्हें वापस इटली लाया जाएगा। तो इसी वजह से रेडक्रॉस का ये प्लेन वहां पर भेजा जा रहा है, जिसमें जरूरी साजो सामान के साथ कई सारी बसें और ट्रक भी हैं। और रूस के बम यूक्रेन का दम निकाल रहे हैं। रूस की खतरनाक मिसाइलों से यूक्रेन के शहर तबाह हो गए हैं। और इस बीच रूस की तरफ से यूक्रेन के 4 बड़े शहरों की तरफ कैलिबर और बैस्टियन मिसाइलें छोड़ी गई हैं, जिनके निशाने में आया पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। कैलिबर और बैस्टियन मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, इसे समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। काला सागर में बवंडर मचाने के बाद ये चारों मिसाइल अपने अपने टारगेट की तरफ निकल पड़ी हैं, जिनके निशाने पर दक्षिणी यूक्रेन के 4 बड़े शहर हैं, माइकोलेव, मारियुपोल, खेरसोन और ओदेसा। चारों शहरों में मिसाइल अलर्ट जारी हो गया है, लेकिन यूक्रेन कुछ भी करने की हालत में नहीं था। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। एक बार फिर देखिए, अगर आपको मिसाइल नहीं दिखी तो गौर से देखिए। हम वीडियो की रफ्तार धीरे कर देते हैं। इस मिसाइल ने यूक्रेन के माइकोलेव शहर में बहुत बड़ी तबाही मचाई है। यूक्रेन में अब तक इससे खतरनाक मिसाइल अटैक नहीं हुआ है। द
10 मंजिला इमारत पर रूस की मिसाइल से ऐसे हमला हुआ कि अब आर पार देखा जा सकता है और यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जाहिर है ये बहुत ताकतवर मिसाइल रही होगी। बिल्डिंग में एक भी कोना साबुत नहीं बचा है। ठीक इसी तरह यूक्रेन की ओडेसा में जो हमला हुआ माइकोलेव शहर से बिल्कुल कम नहीं है। तेल डिपो पर हुआ हमला बिल्कुल सटीक और निशाने पर किया गया। जब हमला हुआ तब माइकोलेव में सुबह के 6 बज रहे थे और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस बिल्डिंग से टकराने वाली मिसाइल ने एकदम सटीक निशाना लगाया। Вот в этом доме, восьмиэтажном, в 6 часов утра Россия по нам нанесла свой ракетный удар. Вот эта шрапнель прилетела в наш дом. जानकारों की माने तो रूस ने ओडेसा के तेल डिपो पर कैलिबर मिसाइल से हमला किया। Major parts of Ukraine and major cities of Ukraine within the first 3-5 days of their so-called special operation, as they call it. But for the time being, having the 30th day of war, a month of war, we see that they haven't managed to capture any major cities, just managed to encircle, to besiege some smaller cities in southern and eastern Ukraine. But even in those cities, they are not controlling the situation. और से देखिए ये मिसाइल समंदर में किसी जंगी जहाज से लॉन्च होने के बाद किस तरह से ये आगे बढ़ती है। पहले मिसाइल एक के बाद एक मल्टी टारगेट्स के लिए लॉन्च की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को चुनौती। दोपहर 1 बजे होगी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बुचा नरसंहार पर यूरोपियन देशों में गुस्सा। फ्रांस इटली समेत नेटो देशों ने की निंदा। रूस ने फर्जी खबर बताकर झाड़ा पल्ला। यूक्रेन ने बुचा में 57 नागरिकों की गोली मारकर हत्या का लगाया आरोप। आपातकाल के खिलाफ श्रीलंका में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को छोड़ श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। तेल डिपो में भड़की आग उजाला होने के बाद भी धधकती रही, जिसकी जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की बड़ी टीम आग बुझाने पहुंच गई, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन टैंकों में तेल भरा होने की वजह से आग बुझने की बजाय और बढ़ती गई, जिसे देखकर दमकल कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए। कई घंटों तक वहां आग को बुझाने की कोशिश जारी रही, लेकिन तेल डिपो से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती रहीं। वहीं यूक्रेन में जारी जंग के बीच